भाई साहब कुछ तो बड़ा होने वाला है इंडियन सिनेमा में, जो वाकई में इतिहास लिख जाएगा, या तो अपनी वाहवाही करा के या तो अपनी थू थू करा के। क्योंकि बॉलीवुड की बिगेस्ट एक्शन पैक्ड मूवी वन मैन आर्मी स्टार्टिंग अ वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर, भाई साहब वरुण धवन की बिगेस्ट एक्शन पैक्ड धमाका बेबी जॉन मूवी का फर्स्ट लुक यानी फर्स्ट ग्लिम्स जो भी कह लो आ चुका है, जो नो डाउट फर्स्ट लुक बहुत जानदार धमाकेदार शानदार लग रहा है। तो भाई अभी बात करेंगे कि इस फर्स्ट लुक में यानी मूवी में हमें क्या क्या मिलने वाला है। भाई रिमेक बताया जा रहा है, साउथ की थालापति विजय की ठेरी मूवी का रिमेक बताया जा रहा है। बहुत सी चीजें हमें फर्स्ट लुक में भी देखने को मिली है, जो जॉन विक का कनेक्शन दे रही है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स का कनेक्शन दे रही है। तो अभी सारी चीजों पर बात करेंगे कि मूवी में आखिर हमें क्या क्या मिल सकता है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों पहले ही बता दूं, साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी थालापति विजय की ब्लॉकबस्टर मूवी ठेरी का ये मूवी रिमेक होने वाली है, जो भाई साहब थोड़ा सा गेम ऑफ थ्रोन्स का वाइब भी देखकर जा रही है और थोड़ा सा जॉन विक का स्टाइल भी देखने को मिल रहा है। वो बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर, देन वो लास्ट में 2-3 सेकेंड का गन कॉम्बैट सीन था जिसमें वरुण धवन बाकी रौद्र लग रहे हैं। भाई साहब एक बार के लिए जॉन विक की याद डेफिनेटली दिला के गया है। एंड गेम ऑफ थ्रोन्स का कनेक्शन कैसे लगा, क्योंकि वो थ्रोन जो आप पीछे देख रहे हैं, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तब आप इस चीज से बहुत जल्दी रिलेट कर जाओ, क्योंकि वही थ्रोन्स हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में देखने को मिल रहा था। लेकिन बदलाव क्या है कि वहां पर तलवारों से वो थ्रोन सेट कराया गया था, लेकिन यहाँ पर गन्स AK-47 दुनिया भर की गन्स हैं उसमें, उस गन्स के हिसाब से वो थ्रोन सेट करा गया है। तो भाई साहब बदलापुर वाला वरुण धवन हमें दोबारा से देखने को मिलने वाला है एज खलीसी अगेन, कि भाई तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो यू नो इट, क्योंकि वो थ्रोन में बैठा है और जबरदस्त तरीके से बैठा है। मतलब थ्रोन को कब्जे में लेने की बात चलेगी और यही होगा, गैंगस्टर वॉर चलेंगी दमदार वाली। तो भाई एक्साइटमेंट तो है इस चीज के लिए। बाकी जिसने भाई थालापति विजय की ठेरी मूवी अगर देख ली है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सेम कहानी होने वाली है, थोड़ा सा चेंजेस होगा। क्योंकि सामने जब नाम आया था इस फर्स्ट लुक का स्टार्टिंग में अटली, भाई तो मैं चौंक गया था कि यार अटली की मूवी, इट मीन्स ये कि फिर उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि भाई ठेरी की ये रिमेक होने वाली है। तो उसके साथ भाई डायरेक्टर की अगर बात करें तो डायरेक्टर भी हमें साउथ के ही देखने को मिल रहे हैं। मतलब जवान वाला जो सिनेरियो उन्होंने सेट किया था वही फॉलो होते नजर आ रहा है। जवान की भाई साउथ का डायरेक्टर है, मतलब बहुत सी चीज़ साउथ से कनेक्ट करी गई थी, दैट्स वाई कि जवान को इतना ज़्यादा सक्सेस मिला है। और वही चीज़ भाई बेबी जॉन में भी होते नजर आ रही है। भाई साउथ के डायरेक्टर हैं और कुछ एक्टर भी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि स्टोरी और कंटेंट के साथ भाई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा, जो भी मिलेगा दमदार मिलेगा। बाकी शिकायत कुछ नहीं है, रिमेक है कोई दिक्कत नहीं है। भाई ऐसी बहुत सी रिमेक्स आई हैं और दमदार धमाका कमा के भी गई हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वरुण धवन हमें एक बार के लिए बदलापुर वाला वरुण धवन देखने को मिलेगा, जिसको वाकई में लोगों ने प्यार दिया था, वो राउडी एंड ब्रूटल वायलेंट वाला, है ना। लास्ट में गन कॉम्बैट सीन में हमने देखा ही उसको, दमदार लग रहा है। जो भाई अगर एक्टिंग में फाड़ गया तो भाई मजा आ जाएगा मूवी में। बाकी ए कालीश्वरन जो डायरेक्टर हैं इसके साउथ के हैं, जिन्होंने जय भीम और महान जैसी मूवी पहले ही दे रखी है। सेकंड मेन लीड एक्ट्रेस हमें कीर्ति सुरेश देखने को मिल रही है। सपोर्टिंग कास्ट में हमको जैकी श्रॉफ और राजपाल यादव की झलक भी देखने को मिलेगी, तो दैट्स व्हाई कि भाई ट्रस्ट तो बिल्डअप हो रहा है। तो अभी टीजर देखेंगे, उसका ट्रेलर देखेंगे, तब पता लग जाएगा कि मूवी में कितना पोटेंशियल है और वरुण धवन की एक्टिंग में भी कितना पोटेंशियल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी आपने ये फर्स्ट लुक नहीं देखा तो जाके जरूर देखो, क्योंकि दमदार है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।